मैंने सोचा नहीं था, मतलब आज से 10 दिन पहले, 12 दिन पहले कि मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। 12 साल का डोमिनेंस 12 दिन के अंदर खत्म हो चुका है हमारा। सबसे पहले तो भाई इस डोमिनेंस, इस ऐसा स्ट्रिक बनाना आज तक किसी क्रिकेट इतिहास में किसी टीम ने ये नहीं बना रखा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो। लेकिन उसके बाद हमने बनाया 12 साल का डोमिनेंस। मुझे आज भी याद है, मतलब हम जब इंग्लैंड से आ रहे थे 2012 में, वो जो फिफ्थ टेस्ट था मैंने देखा नहीं था, क्योंकि हम 2-1 से पीछे चल रहे थे। फिफ्थ टेस्ट से ड्रॉ हुआ था, उसके बाद चेन्नई से वो शुरुआत हुई मैच जीतने का, और फाइनली जाकर आज न्यूजीलैंड के साथ ये खत्म हो चुका है। शानदार खेला न्यूजीलैंड ने यार। अच्छा, जो लोग कह रहे थे ना कि WTC का भी ना फाइनल 3 मैचेस का करवा दो, 3 मैचेस का करवा दो, हो सकता है 2021 में भी अगर 3 मैचेस का फाइनल होता तो न्यूजीलैंड इसी तरीके से हमें हरा कर चली जाती जैसा पहला मैच में हराया। और इस हार के जिम्मेदार तो मैं पूरी टीम इंडिया को मानूंगा, किसी एक प्लेयर, किसी दो प्लेयर को नहीं बोलूंगा, मैं पूरी टीम इंडिया को बोलूंगा। अगर आप स्टैट्स उठाकर देखो तो, मैं स्टार्टिंग करूँ तो गिल का भी रिकॉर्ड नॉकआउट मैचेस, इंपॉर्टेंट मैचेस में काफ़ी ख़राब है। बस एक सेमीफाइनल 76 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ, 79 जो भी था, मतलब उसी के आसपास था वो है। फिर रोहित शर्मा का टेस्ट रिकॉर्ड अगर लास्ट 3-4 साल में देखो तो बहुत ही, मतलब रन रेट या स्ट्राइक रेट कहाँ से टेस्ट क्रिकेट में एवरेज गिरा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। सेम फॉर हमारे विराट कोहली। विराट कोहली स्पिन, मतलब जिस तरीके से पहले इनिंग में आउट हुए हैं, ठीक है अभी अनलकी डिसमिस चल रहा है यार, लेकिन उनका कौन सा परफॉर्मेंस आया है इस 4 मैचेस में अगर आप देखो तो, एक इनिंग में परफॉर्मेंस आता है, एक इनिंग में नहीं आता। सेम रोहित शर्मा को भी मैं बोलूंगा, आप एक अगर आप आउट होते हो तो सेम तरीके से आउट होते हो। आपको जो सऊदी ने एक, मतलब आसानी, मतलब आप जब देखो सऊदी को विकेट देकर चले जाते हो सकता है मेरे को दोनों के फैन आकर मेरे को गाली दे, रोहित विराट दोनों के फैन, बस सच्चाई है जो सच्चाई है यार, ठीक है। फिर सेम फिर हमारे पास जो बॉलर्स आते हैं तो यार बुमराह पर कितना एफर्ट डालोगे, कितना परिश्रम, लगातार बुमराह खेलते आ रहा हो, खेलते हुए आ रहा हो, और बुमराह का ये रेयर फेलियर मैं कहूंगा, होपफुली ये फ्यूचर में ना हो, ठीक है। फिर अश्विन जडेजा का, अब मुझे लगता है कि अब हमें धीरे धीरे ट्रांजिशन फेज में आना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक सीरीज हार कर पूरी तरीके से टीम चेंज कर दो, और अश्विन जडेजा को भी अब, जडेजा अब देख लो कि आखिरी तक आज उन्होंने बैटिंग किया, लेकिन फिर भी यार टाइम हो चुका है, विकेट तो उनसे भी नहीं आ रहे थे ना, आज आखिर में 3 विकेट उन्होंने लिए ना, विकेट तो वो भी नहीं ले पा रहे हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया उनको विकेट लिया हुआ, मतलब अच्छे तरीके से 300 विकेट ले लिए उनको, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन हिज करियर। फिर मैं अश्विन का भी अब धीरे धीरे अब टाइम मेरे को लगता है अब समाप्त हो चुका है। और यंगस्टर कब करेंगे परफॉर्म, अगर मैं कहूँ तो रोहित विराट ने जब परफॉर्म किया तो वो भी आए थे एक मतलब एक्सपीरियंस टीम के साथ, लेकिन वहाँ पर वो परफॉर्मेंस कर रहे थे तभी टीम के साथ रहे। सरफराज ने पहले मैच में रन बनाया, आज मौका था, स्पिन गेम था, बट बनाना चाहिए था इस मैच में भी सरफराज को रन। अब BGT जा रहे हो, यशस्वी जायसवाल ने तो भाई सच बताओ तो सही खेला इस इनिंग में, तो खासकर सही खेला, क्योंकि वो पता था कि अगर मैं टाइम ले लूँगा तो फिर यहाँ से विकेट आसानी से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बट यही है मैं यही कहूँगा। और सुंदर तो एक पॉजिटिव इस मैच खेल ही रहे हैं, लेकिन मैं बस ये शॉक लग रहा है, ये कैसे खत्म हो सकता है यार। और लोग यार ब्लेम पूरी टीम को दो, कोचिंग स्टाफ को, हर को दो, ये नहीं बोलूंगा मैं कि सिर्फ एक पर डाल दो, ठीक है, या फिर वो गंभीर रोहित शर्मा पे डाल दो, या विराट कोहली पे डाल दो, या फिर गंभीर पे डाल दो, ऐसा नहीं होता है यार। मेरे को जो लगता है सारे पूरी टीम फेलियर है, और हो सकता है एक वेकअप कॉल हो। अब तो BGT को जीतना और फिर WTC फाइनल पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो चुका है, सिंपल सी बात है। और हाँ, मेरे तरफ से भी सॉरी न्यूजीलैंड को, मैंने ये कहा था, लगता है मुझे भी बासी तली बनना पड़ेगा, अब न्यूजीलैंड यहाँ से वापसी नहीं कर पाएगा, और भाई न्यूजीलैंड ने वापसी की। और सबसे बात सच बताऊं तो ये हार उतना ही बुरा है जितना पाकिस्तान बांग्लादेश से हारी। नो हेट टू एनी टीम, न्यूजीलैंड को भी कोई हेट नहीं है, बट न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस इंडिया में कुछ खास नहीं था इससे पहले, मात्र 2 टेस्ट जीता था, 36 साल पहले जो टेस्ट जीता था उन्होंने, ठीक है, तो भाई साहब समझ सकते हो। तो ये मैं यही सिंपल सा कहूंगा कि ये बहुत ही खराब दौर रहा है यार मेरे लिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है, विश्वास नहीं हो रहा है यार। चलो कोई नहीं, होपफुली कम बैक करे WTC का, तो अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन उस पर भी वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। आपका क्या कहना था इस स्ट्रीक को लेकर, क्या क्या रहे या मतलब, और आपके लिए क्या क्या मतलब अच्छी अच्छी यादें रहीं इस स्ट्रीक से रिलेटेड, मैं आपसे जानना चाहूँगा। मेरे लिए तो काफ़ी कुछ है, वो चाहे वो 2017 वाला सीजन हो, स्ट्रीक की शुरुआत हो जिसमें धोनी ने 224 रन बनाए थे, 4-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराया था, काफ़ी कुछ है। आप लोग भी बताना क्या क्या कैसा कैसा रहा है, मुझे मतलब लेकिन उम्मीद नहीं था ये चीज़ हो सकता है। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन टू कीवीज, न्यूजीलैंड ने भी शायद मतलब अपने घर से जाकर बाहर जाकर
कई सालों से टूर्नामेंट कोई सीरीज नहीं जीता था, तो वो WTC चैंपियन थी। अब वो एक्सीडेंटल चैंपियन नहीं, वो रियल चैंपियन थी। और भारतीय टीम ये दूसरी बार है जो पिच को लेकर थोड़ा सा हड़बड़ा गई, चाहे वो वर्ल्ड कप फाइनल था या फिर ये आज हुआ। अच्छा एक और क्वेश्चन है मैंने, ओ शिट सॉरी 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 सॉरी, एक ट्विटर पे सवाल उठा रखा है कि ये शेमफुल है टेस्ट सीरीज हारना या फिर वर्ल्ड कप फाइनल शेमफुल नहीं था, आप लोग बताना ठीक है मेरे लिए। चलो होपफुली विजी टीम भारत कम बैक करे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।